रोब डाल के भीख मांग रहे हैं। अरे भीख मांगनी मिन्नतें करनी पड़ती हैं लोगों की। ऐ थे रख। ये क्या कर रहे हैं आप? दबके मार रहे हैं आप, लोगों को डरा रहे हो आप। हेलो, ये गॉगल लगा के भीख कौन मांगता है भाई? फॉरेन कंट्री जाके देखो, सारे भीख ऐसे मांगते हैं। भाई साहब, आप जेंटलमैन लग रहे हैं, आप मेरी बेटी का ख्याल रख लेंगे? हैं? नहीं, वो क्यों रखेंगे भी? नहीं, मैंने तुम्हें मार के फांसी चढ़ जाना है ना, कोई तो चाहिए मुझे ख्याल रखने के लिए बेटी का। और डॉक्टर साहब, ये क्या हाल बनाया, क्या हुआ आपने, बने क्या हुए आप? मैं बनता तो डॉक्टर हूँ भाई, वैसे आई एम रॉकस्टार। मतलब आप रॉकस्टार हैं? हाँ जी, हाँ जी, रॉकस्टार है। या आई एम क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर। बट मैं कव्वाली गा रहा था। हैं? हाँ जी बिल्कुल, कव्वाली गा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, मैंने लॉटरी को इम्प्रेस करना है ना। और मैंने तुम्हारा ना मुंह तोड़ देना। रहने दो, फिर मोहल्ले में एक जैसे मुंह वाले दो लोग हो जाएंगे। मैंने कहा था ना, मैंने इम्प्रेस कर लेना है। खबर रखिए, मोहल्ले या शांतिवन में इस तरह की गुस्ताखी को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया। वाह 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 वाह, भाई बधाई हो, मोहल्ले में उर्दू हुई है। और नाम मैं रखूंगा इसका, और इसके मुंह पे जूता मैं रखूंगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, जूते पे जूता रखोगे उसकी तो जोड़ी बन जाएगी। क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग? देखो जी, गुफ्तगू तो मैं कर रहा हूँ, बाकी का काम ये कर रहे हैं। और आप लोग क्या बने हुए आज? मैं कुछ बना नहीं हुआ, मैं हूँ। आई एम ए रॉक स्टार, सड़ा के थे रॉक। और मैं हूँ, इधर हो जाइए डॉक्टर साहब, मेरी बारी है। और मैं हूँ कवाल। कवाल, हाय, आई एम अ प्लेबैक सिंगर, विल यू मैरी मी? हेलो, मेरी मैम, ये कोई गाना नहीं है। गाना नहीं, फीलिंग तो है ना, हर बात गाना ही होती है। सुनो, मुझे म्यूजिक पसंद है, लेकिन ये सब नहीं, मुझे घसलों के शौक है। हाँ, और आज रात मेरी फेवरेट सिंगर राहत फतेह अली खान साहब का परफॉर्मेंस है, और मेरे साथ दो टिकट है। देखो मेरी बात सुनो। अच्छा, लेफ्ट में तुम, मैं बैठ जाऊंगा। हाँ, उसको साथ लेना जाना, ले जाना चाहती हूँ, जिसको उर्दू आती है। तो? हाँ, तो मुझे नहीं आती है ना, तो ही कैन एक्सप्लेन टू मी। लेकिन आप लोग को बिल्कुल उर्दू नहीं आती है। अरे किसने कहा हमें उर्दू नहीं आती? आपकी नोजो नजर में गुलफात करोगे, उर्दू करेंगे आप, समझ भी नहीं पाएंगे हमने क्या गुफ्तगू करी है। उसने ना जो चश्मे बहता रहा, मैं जो हिंदुस्तान ने खसूसियत से मुगल आजम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, क्या नहीं आती उर्दू? ये आपने कैसी उर्दू बोली, आपकी तो उर्दू गलत है। क्या गलत है? उर्दू उर्दू बस कर, उर्दू होता उर्दू। देखो जी, मेरी बात सुनो, मैंने आपके लिए ऊपर वाले की रहमत से अपने शाही पतीले में शाही चाय भी बनाई है। पत्ते आसाम को लेकर शक्करे नागपुर को मिलाकर मैंने बीच में दूधम दूध डालकर चाय उबल गई। यार अब बीच में जरूर बोलना था, मेरे को गैस हो गई तेरी उर्दू सुन के, बकवास कर रहा है। आई एम उर्दू चैंपियन। अच्छा, जिला जलालू जलालुद्दीन उस्मानिस्तान उज़्बेकिस्तान कमालिस्तान फिल्मिस्तान अजरुद्दीन नवाजुद्दीन एंड ऑल। अच्छा, बात चाहूँगा। क्या उर्दू बात कर रहे हैं, ये क्या है? उर्दू तो ना राहत साहब बात करते हैं। माशाल्लाह, उसका लहजा क्या है, उनका लहजा? लहजा मालूम नहीं है लहजा का मतलब? मेरे को पता है लहजा क्या होता है, जब हैजा उर्दू में हो जाता तो उसको लहजा कहते हैं। और ये नहीं होता डॉक्टर साहब, लहजा वो होता है जब चाय बन जाती है ना, तो कहते हैं लहजा चाय, लहजा 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 होती है। लहजा वो नहीं होता, लहजा वो होता जो लड़कियां चोली के साथ नहीं पहनती, वो ऐसे घूमते गोल गोल, उसको लहजा नहीं, उसको लहंगा कहते हैं। मैं तेरी चाय में घुसा? नहीं, तू मेरे लहंगे में क्यों घुस रहा बे? ओफ यार, आप लोगों को कुछ नहीं आती है, भाड़ में जाओ तुम लोग।
मैंने जाके बेड नंबर 3 के पेशेंट को चेक करता हूँ जाके। मैं भी चेक करूँ यार, मेरी भी चाय की दुकान है, हद हो गई, यही काम करते रहना। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर राहत फतेह अली खान साहब के लिए। पाजी आइए जरा, धन्य करो हमारी सोफे को, हमारे को। राहत साहब छा गए हो आप। पाजी आपके ढेर सारे फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे गाने भी सुनना चाहते हैं, आपसे बातें भी करना चाहते हैं। आप लोगों में से जो भी राहत जी से बात करना चाहता है तो जी। ए क्या ए पाजी, साढ़े पीछे मोहल्ले में रहती हैं ये। भाभी क्या बात करनी है आपको? अरे तुम्हारे भैया थे नहीं घर पे, हम आवाज सुने आ गए इधर। तो आप आवाज सुन के कहीं भी चली जाती हैं? नहीं, तुम्हारा आवाज सुन के कभी आए क्या? कभी नहीं आए। तो राहत फतेह अली खान साहब का आवाज सुने, आवाज से हम पहचान गए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ। नहीं नहीं, शुक्रिया तो आपका है, हमारा थोड़ा ही शुक्रिया है। तो आपका भी तो कुछ ना कुछ होगा ही फिर। बहुत कुछ है हमारा। क्या है आपके पास? क्यों बताएं? तुम डीसी लगे हो तो तुमको बताएं, हम रिपोर्ट लिखवाएं तुमको। बताती क्या है? क्यों बताएं? हम ये बता देते हैं कि जैसे सिद्धू साहब हैं जी, इनको सब शहरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शहरी कहते हैं ना? शहरी, हाँ ठीक कह रही है। आप कपिल हैं, आपको कप्पू कहते हैं। हाँ। राहत फतेह अली खान साहब हैं, इनको सब टिप्पू कहते हैं। और हम रिंकू देवी हैं, हमको कैट कहते हैं। बिल्ली वाला नहीं। हाँ। मोहल्ले में हमारे आजू बाजू के लोग सब कटरीना कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा तो बहुत ख्वाहिश था कि हमारे हस्बैंड भी आवाज अच्छा हो, गाना गाते हो। उसका तो मुंह ही नहीं अच्छा, तो आवाज कैसी अच्छी? मुंह तो नहीं है अच्छा, हम मानते हैं। लेकिन जब शादी हुआ तो रिश्ता का बात चल रहा था ना जब हमारा, तो कहे कि उनका बहुत अच्छा आवाज है, गांव में सबसे ऊंचा सुरुनी का है। तो हम शादी करा लिए, बाद में पता चला कबाड़ी का काम है, ऊंचा सुर है उनका। पर हम आपके लिए आए हैं राहत फतेह अली खान साहब, हम आपका दुख दर्द समझते हैं, इसलिए आए हैं। इधर आके बात कर लो ना। ओ बस मौका ढूंढ रहे थे, अब मिला है। छेड़ रहा है। हम आपके लिए पहले ठंडा लाने वाले थे, फिर सोचे सिंगर हैं गला खराब हो जाएगा आपका। हम आपका दर्द समझते हैं, माइक के पीछे आप गाना गाते रहें, अब सब हीरो हीरोइन उसके ऊपर रोमांस करते रहें। फीलिंग आप भरे गाने में, रोमांस करे कोई और हीरो, ऐसे थोड़ा ही होता है। आज हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। आप आज हंसिए। हंसिए नहीं, अभी रोमांस करेंगे। और आप गाना नहीं गाएंगे, कटरीना तो है ही आपके साथ, बस नहीं। अरे अरे यार ये क्या कर रहे हैं? अरे आप आज हमारी राहत सामग्री हैं, बस ये समझ लीजिए। हाँ, अभी आप हीरो हैं, हम आपकी हीरोइन हैं। कुछ और लगा दो यार। इससे पहले ये भजन बता दे लगाने को, कोई कमाल नहीं लगा दो सर। पाजी जड़ी ऊपर छाल मारी है ना, तुसी छाल मार के ऊपर वो गीता है, वो तो कमाल जी है। चलो ठीक है, चल रिंकू भाभी नमस्ते। आई लव यू। मार ही डालोगे आसमान अपनी छत, बिछोना ये जमीन हो जाए, आओ कुछ ऐसे मिल जाए कि 2 से 3 हो जाए। हो जाओ 2 से 3 उठ जाओ। अजी तुम भी कुछ बोलो। मोहतरमा कौन है आप? भूल गए क्या? हम बेगम हैं, बेगम लुच्ची। हम आए थे ना दिल्ली आपसे मिलने के लिए शो में। तो आप यहाँ तक पहुँच गए दिल्ली से? अरे लोग तो मोहब्बत में जेल तक जाते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ तक आए हैं। मैं अब कहाँ जाऊँगा? बैठिए ना। टाइट क्लोज में क्या लगते हैं आप खान साहब? खान साहब को टाइट क्लोज में ना देख, बच्चा है। कहाँ
कहाँ थे आप खान साहब, बताइए ना कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं। आपके इंतजार में हम दिया जलाकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। मुंह देख कर लग रहा है आपका दिया बुझ चुका काफी साल पहले। खामोश, हम सिर्फ ऊपर से बुझे हैं, ये मोहब्बत के दो फूंक मार दे हम फिर से जल उठेंगे। मारिए ना। और देखो क्या आप मोहब्बत के चक्कर में बड़ी बेगम साहब, भगवान ने इतने बड़े बड़े हाथ दिए, जाके नान बनाइए, गरीबों में बांटिए, आपको पुण्य लगेगा, जाइए। गरीबों को नान बांटने का काम हमारे नवाब साहब करते हैं। आप मेरे को पता कौन सा गरीबों का काम करते हैं? पाजी वो पिज्जा डिलीवर करते हैं साइकिल पे, और 30 मिनट में पहुंचाने के चक्कर में दो बार मरते मरते बचे इनके नवाब साहब। खामोश करो गुस्ताख कहीं के। मेरा नाम गुस्ताख नहीं, मेरा नाम कपिल है। राहुल वाला कुत, ये कहाँ पड़ता है? अरे भाई वाह वाह वाह, आया वर्ण आया वर्ण। और खान साहब, अरे बेदम हटिए, खान ऊपर से मिलो, ऊपर से मिलो खान साहब। अरे सर कैसे? मुरीद है हम आप। सर सर सर, मुरीद है हम आपके। वाह सर, हम तो खुदा से अरफास करेंगे कि भाई हम भी किसी दिन आपकी तरह सुर लगा सकें। सुर की बात तो रहने दीजिए नवाब साहब, इस उम्र पे पान पे कत्ता लगाया नहीं जाता आपसे, पड़े सुर लगाने के लिए। कैरी ने छोड़िए, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे किसी दिन खान साहब आप हमारी हवेली पे तशरीफ लाएं। आपकी छोटी से हवेली खान साहब बुला रहे हैं, उसमें आपकी तशरीफ नहीं पूरी आती। उनको तशरीफ दे, आपको पता ये हवेली में घुस जाते इनकी तशरीफ बाहर भीगती रहती पानी में। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि भाई हमें चाची की का बड़ा शौक है। चाची की नहीं, मौसी की बोलते हैं। लेकिन हमारी मौसी है ही नहीं तो हम मौसी की क्यों बोलें? हमारी एक चाची है जो बखूबी बड़ा अच्छा गाती है, तो हमें चाची की का ही शौक होगा ना। खैर हम आपको बताएं कि भाई एक जो है एक हुनर है हमारे अंदर जो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। सिर्फ हुनर नहीं, इनके अंदर प्रॉपर एक बैल है, एक कमाल का हुनर है। अगर आप अपना आपका वो जो गाना है वो दिल तो बच्चा है जी, वो अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें तो हम अपना हुनर आपको दिखा सकते हैं। दिल तो बच्चा है ये गाएंगे तो आप क्या बच्चा पैदा करके दिखाएंगे? हुनर क्या है मतलब आपका? हुनर हम बताएं आप करेंगे, आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए अगर तो हम। जी जी, चक चक ये दिल बच्चा नहीं है। कैसा लगा आपको? बाखुदा, आपने तो जो किया आपको तो जेल होनी चाहिए। सच में खान साहब के सामने आपने हमें जलील कर दिया। जनाब कपूर शर्मा जी, आप इन्हें सजा देंगे या मैं खुद इन्हें घर ले जाकर सुझाऊं? कितना सुझाएंगे और आप? हम चलते हैं जी, चलते ठीक है। छूना मत। मुरीद है हम आपके, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मौका मिला हमें बस, शुक्रिया शुक्रिया। आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज को और छोटा कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे सलमान भाई का नाम सल्लू कर दिया, कपिल का कप्पू कर दिया, आपका नाम मतलब राहत फतेह अली खान, मुझे लगा दो तीन लोगों का ग्रुप होगा ये। पाजी आपका आपका कोई छोटा नाम भी है वैसे? आप छोटा नाम घर में क्या बुलाते हैं आपको? प्लीज टीपू। पर मजा भी ऐसे बोलने में आता कि राहत फतेह अली खान पता लगता है। अभी बोलूं आपके सामने आ रहे हैं टीपू। लोगों को पता नहीं चलेगा। पाजी एक बात बताओ, जब आपके फैमिली में बच्चे पैदा होते हैं तो मतलब वो रोते हुए पैदा होता है कि लाभ लेके पैदा होते हैं? नहीं सीरियसली, मैं मन में सवाल था तो मैं... अगर मैं आपसे पूछूं जी, आप तो बहुत माशाल्लाह सब दुनिया को हंसा रहे हो जी, तो आपके जब बच्चे होंगे तो क्या वो कॉमेडी करते हो? वो तो नहीं कॉमेडी करते पैदा होंगे, मैं कुछ कॉमेडी करूंगा तो फिर होएंगे। राज भाई आपने किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था? 6 8 6 6 साल की उम्र में? 6 साल की। अच्छा देख लो, 6 साल की उम्र में तू तो डायपर पहनता था दिनेश। सीरियसली बच्चे इतनी उम्र में डायपर पहन के घूम रहे होते हैं, नाक बह रही होती है, माएं कभी कभी उसी डायपर से नाक पोंछ देती है बच्चे की। 6 साल की उम्र में पाजी कलाकारों का रिस्पॉन्स भी दे रहे, चुटकुल बात पे भी वाह वाह वाह। अच्छा पाजी आपसे बातें तो काफी सारी होती रहेंगी, पर मेरी पर्सनल एक आपसे शेयर करना था। नो प्रॉब्लम। मेरी ना पड़ोसन है एक, वो आपकी बड़ी फैन है, थोड़ा सा अगर आप कहीं छुप के ना मेरे लिए गा देना तो उसको लगे कि मैं गा रहा हूँ। प्यार करते हैं? प्यार करता हूँ बहुत ज्यादा बाजी मैं। अरे यार
प्यार के लिए तो कुछ भी हो सकता। पक्का पाजी? यस। दो मिनट आपको इम्प्रेस करना खाली। करूँ क्या? छुप के आपने माइक पकड़ के इधर छुप के गाना गाना है। अच्छा ठीक है, बताना नहीं आपको, बाहर नहीं आना ठीक है? अच्छा मैं जा पाजी। वाओ, आप तीनों इतना अच्छा गाते हैं। मेरा बहुत ज्यादा अच्छा था। आप तीनों कितना अच्छा गाते हैं। थैंक यू। अरे एक चीज और बता दीजिए कि आप तीनों की आवाज एकदम सेम टू सेम कैसे है? वो हम एक्चुअली सेम ही सिंगर के गाने गा रहे हैं ना, एक ही सिंगर के गाने गाए तो फिर इसलिए आवाज सेम है। आज मेरा गला भी बिल्कुल खराब नहीं है तो मेरे गाने बहुत अच्छे निकल रहे हैं। आपके गले का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपकी नीयत काफी खराब है। ये सिर्फ तुम अपनी बहन को समझाओ कि गला और नीयत सिर्फ चंदू की साफ है। गला तेरा साफ है और जान नहा के देख, तेरे गले पे जितनी मैल है ना, अपने आप को गालियां देगा तू। वेरी गुड यार, आई लव यू, आई लव यू। बट एक बात है, गजल जो है ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं है। इनका काम है जो गजल को गजल कह रहे हैं। गजल नहीं होती, गजल नहीं होती है, गजल। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, गजल 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 वही तो है, गजल। तो एक मिनट, लॉटरी ये तीनों मिलके ना तुझे धोखा दे रहे हैं। क्या वो तुझे शर्म नहीं आती तुम दोनों को? इतनी खूबसूरत लड़की को धोखा दे रहे हो? अब जो हम दे सकते हैं वही देंगे, अब क्या इनके नाम पर चाय की दुकान करते हम? मैंने दिल से गाया तुम्हारे लिए, मैंने बहुत अच्छा गाया। नहीं नहीं, आप बताओ कौन सा धोखा? कौन सा धोखा? मैं बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी बताती हूँ। ये रहा धोखा, ये I'm your biggest fan. Oh my God, hi, welcome. हम पकड़े गए हैं तो फिर हम निकल जाए यहाँ से। एक बार राहत फतेह अली खान के लिए जोरदार तालियां। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates